World Continental Muzaffarabad has a room capacity of 100. The property has a car capacity up to 150 cars. हमारा आज का स्टे है एट पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद लोकेटेड इन आजाद कश्मीर। वाओ, व्हाट अ मैग्निफिसेंट सीनिक व्यू। जस्ट इमेजिन कि आप किसी ऐसी जगह पर स्टे कर रहे हो जहां पर आपको व्यूज इस तरह के आए। हम इसको पॉसिबल करेंगे। आई वेलकम यू ऑल टू पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद। तो फौरन से पहले करते हैं चेक इन, लेट्स गो। इट हैज अ ब्यूटिफुल ग्रैंड वॉकवे दैट टेक्स यू इनसाइड द होटल। Wow, viewers, this looks fantastic. I've been to Pearl Continental Lahore, लेकिन वहाँ की फील entirely different थी। वहाँ पे आप जब दाखिल होते हैं तो आपको एक लाहौरी कल्चर, एक पंजाब का कल्चर जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन Pearl Continental मुजफ्फराबाद आपको मॉडर्न लाइन्स पर ड्रॉन मिलेगा। पेंटिंग्स ऑल्दो उसी तरह की मुझे लग रही हैं जैसी Pearl Continental में जनरली होती हैं। खैर, अब मैं चेक इन करने जा रहा हूँ और जाने लगा हूँ फ्रंट डेस्क रिसेप्शन की। Good afternoon, sir. Welcome to the Pearl Continental Hotel, Muzaffarabad. Thank you so much, ji. Thank you for asking. आप कैसे? Alhamdulillah, I'm good. How was your journey, sir? It was great. I loved the scenery, जो मैं हमारे रास्ते में आई, the waterfalls in the way, और इसके अलावा, this is my first ever trip to Azad. Along with the riverside, all the road and large green mountains. Fantastic. Love that. So, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या-क्या categories हैं हमारे पास rooms में? And Muzaffarabad, you see, we have three categories and our hotel. First, it's the standard rooms. Mm-hmm. All these rooms were the beautiful balconies where you can sit outside from the room and enjoy the beautiful weather of morning and evening. Okay. उसके बाद हमारे पास deluxe rooms आ जाते हैं। वो rooms हमारे second and third floor पे हैं। These rooms are facing to the beautiful valley. All right. Then we got executive floor. Executive rooms में हमारे top floor है। View is very nice. Plus इसमें आपको river भी नजर आता है और valley भी नजर आती है। Thank you, जी। Thank you so much. So extra facilities भी हमारी executive floors के साथ हैं। वहाँ आपके लिए tea, coffee setup available है। Plus complimentary pressing भी हम आपको उसमें add करते हैं। Executive में, right. अच्छा, baseline की तरफ चलते हैं। Baseline room जो है आपने बताया standard room। Yes. उसका price point क्या है? Our room starting from the 30,000 plus taxes. Okay. तो आपका जो standard room है उसको discuss कर लेते हैं। मुझे पता है standard room में आपने कहा था balcony. Yes. Attached balcony. With all the rooms. With all the rooms. All yeah. the. और आपको view क्या आता है वहाँ से? वहाँ से balcony में बैठते हैं तो कैसा view आता है? It's first of all valley side पे है। अच्छा. Beautiful valley you can see from there, and there is beautiful lawn outside. हाँ. तो अगर हम बेसलाइन से चलते हैं ऊपर स्टैंडर्ड से डिलक्स में जाते हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस? डिलक्स में आपका व्यू जो है वो आपको पूरी वैली नजर आती है। अच्छा, एलिवेटेड हो जाता है। एलिवेटेड हो जाता है, व्यू बेहतरीन हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपको बैल्कनी भी वहाँ मिल रही है और व्यू आपको व्यू आपका बेहतरीन हो जाता है। राइट, जबरदस्त जी। और एग्जीक्यूटिव रूम में आपको क्या? एग्जीक्यूटिव रूम इज ऑन द टॉप कॉम्प्लीमेंट्री। उसमें हम आपको इलेक्ट्रिक
क्या टी कॉफी सेटअप देते हैं, ग्रेट, प्लस कंप्लीमेंट्री प्रेसिंग भी देते हैं, उसका व्यू जो है सबसे बेहतरीन है। उससे आगे हम चलें तो हमारे पास डिलक्स स्वीट्स हैं। राइट, स्वीट की स्पेशलिटी ये है कि स्वीट से आप ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद फ्रॉम वन साइड यू कैन सी, ऑन अदर साइड वैली प्लस लेवल, सो आप मैक्सिमम सिटी और वैली सारी वहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम योर रूम। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ स्वीट। ऑल राइट, ग्रेट। तो एक विजिटर जो पर्ल कॉन्टिनेंटल में एंटर करता है तो डेफिनेटली वो बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो एंजॉय करना चाह रहा होता है। आई हैव बीन टू पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर, लव्ड ऑल द फैसिलिटीज। तो पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद हमें क्या फैसिलिटीज ऑफर करता है? पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद में सबसे पहले तो वी गॉट ब्यूटीफुल 3 डाइनिंग ऑप्शंस। हमारे पास मार्को पोलो रेस्टोरेंट है विद अ नाइस व्यू वेयर यू कैन सी ऑल द सिटी। यहाँ हमारे पास पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल प्लस कश्मीरी कुजिन्स हम सर्व करते हैं। राइट, द सेकंड रेस्टोरेंट इज ताइपेन, इट्स अ चाइनीज स्पेशल, चाइनीज फूड वहाँ सर्व करते हैं। देन वी गॉट थर्ड खैबर हुजरा, इट्स अ ट्रेडिशनल शिनवारी फूड। आप बारबेक्यू लवर हैं, यू कैन हैव योर मील देयर। ओह ग्रेट। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए हेल्थ क्लब है ऑन द थर्ड फ्लोर वेयर यू कैन डू योर वर्कआउट इन द मॉर्निंग और इवनिंग। एंड देन वी गॉट इनडोर गेम्स ऑन द सेम फ्लोर। तो क्या रिकमेंड करेंगे आप, कौन से रूम में मैं स्टे? आई सजेस्ट यू द एग्जीक्यूटिव रूम, द व्यू भी बेहतरीन है एंड यू विल बी एंजॉयिंग द फैसिलिटीज एज वेल। ग्रेट, ग्रेट। आप टी कॉफी अपना कंप्लीमेंट्री एंजॉय करेंगे, व्यू बहुत बेहतरीन है, सो वी विल गो टू द एग्जीक्यूटिव। डन करेंगे, डन करें, चेक इन करते हैं। Here you see nice sir, please. Thank you. Your room number is 406. Miss Fiza hai, hamari guest relation officer. She will escort you to the room. Have a very nice stay with us. Thank you so much. सारी फोटोग्राफ्स जो हैं ये मुझे आज़ाद कश्मीर की ही लग रही हैं। इनफैक्ट ये आज़ाद कश्मीर की ही फोटोग्राफ्स हैं। तो आप बता सकती हैं कि यहाँ पे नियर बाय अट्रैक्शंस क्या हैं पीसी मुजफ्फराबाद के आसपास? यहाँ पे हमारे पास पीर नासिक स्पॉट है, 1 आवर की ड्राइव पे है, जो मरीज से काफ़ी हाइट वे पे है, वो नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक है काफ़ी, और इजीली आप बाय जो रोड ट्रैवल करके वहाँ पे जा सकते हैं। कितना डिस्टेंस? सॉरी, 1 आवर की ड्राइव है यहाँ। यस, राइट। फिर इसके अलावा नीलम वैली है, 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद वो स्टार्ट हो जाती है, और उसके लिए वो भी नेचुरल है, काफ़ी सीनिक है वो बहुत ज़्यादा, और उसको आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट हमारे पास यहाँ पे रिवर बैंक पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, वो तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे है यहाँ से। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं विजिटिंग स्पॉट्स हैं। मतलब आपको अगर एक्सकर्शन करनी हो ये 1 आवर वाली ड्राइव या 2 आवर्स वाली ड्राइव में, तो पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद व्यूअर्स दिस प्लेस इज़ टू बी, क्योंकि मैंने ये सुना है कि इसके आगे अगर आपको एक्सकर्शन करनी है तो ये फैसिलिटीज आपको किसी और प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। बेहतरीन है जी। The corridors of this hotel looks fantastic. बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू जो है वो मुझे अभी देखने को मिल रहा है, कश्मीर वैली का व्यू। और सारे के सारे देखें आप, ये सब रूम्स हैं और इनके बिल्कुल वंस यू ओपन द डोर ऑफ द रूम तो आपको एक बेहतरीन किस्म का जो व्यू है वो नज़र आता है। I welcome you all to my room. पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद का एग्जीक्यूटिव रूम जो है इसकी बड़ी ही कंफर्टेबल और कोजी वाइब है। और बहुत इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपको वॉशरूम जो है वो ओपन फेस वॉशरूम मिलता है सेपरेटिंग विद अ ग्लास, तो बेहतरीन है जी। सबसे पहले रूम कम्फर्ट जो है वो चेक करते हैं, बेड कम्फर्ट को चेक करते हैं। लाइक ऑलवेज बेहतरीन व्यूअर्स, रूम के एम्बियंस की अगर हम बात कर लें तो जो इंटीरियर है ना रूम का, जो फर्नीचर है वो आपको अगेन क्लासिक लाइंस पे मिलेगा, विक्टोरियन लाइंस पे मिलेगा। और यही जो फर्नीचर है ये हमने एक्सपीरियंस किया था पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में, तो वो जो लैंग्वेज है पर्ल कॉन्टिनेंटल की वो आपको यहाँ पर भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है।
इस बेड पे हेडबोर्ड भी है, इट इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप यहाँ बैठे हों तो आप कंफर्टेबल रहते हैं और व्यूज़ बहुत अमेजिंग है व्यूअर्स। मेरे सामने ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान के व्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो हमने ट्यून इन किया हुआ है। लेकिन इस रूम से नेचुरल व्यूज़ क्या आते हैं, रियल व्यूज़ क्या आते हैं, ये अब हम देखने जा रहे हैं। Viewers, the view is mesmerizing. यहाँ से आपको पूरी मुजफ्फराबाद सिटी का व्यू आता है और मेरे सामने नीलम रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है और वेदर भी बहुत अमेजिंग है। ऑल दो आज थोड़ा सनी वेदर है, लेकिन आई एम जस्ट लविंग इट, द व्यूज माइंड ब्लोइंग। इट्स क्वाइट अ बिग रूम, क्वाइट स्पेशियस, और यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी जगह है। एक यहाँ पे आपको सेटी सोफ़ा मिलता है जिसमें आराम से तीन लोग बैठ सकते हैं। साथ ही ये देख सकते हैं आप, एक स्टडी आपको यहाँ पे मिलती है, इस पर भी एक चेयर आपको मिलती है, साथ एक सोफ़ा सिंगल सीटर मिलता है। तो क्वाइट एन एम्पल स्पेस। व्यूअर्स, रूम में आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो आपको बड़े ही ज़बरदस्त एक प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है इमेनिटीज़ की शक्ल में। हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, क्रॉप्ड फ्रूट्स मिल रहे हैं, उसके अलावा बिस्किट्स मिल रहे हैं, पेस्ट्रीज मिल रही हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा जेस्चर है फ्रॉम द होटल। बेड के साथ आपको दो साइड टेबल्स मिलेंगी। देखते हैं कि ड्रॉअर कितनी स्मूथ है। रूम सर्विस चेक करते हैं जी, देखते हैं कि हमें हमारे रूम में चाय कितनी देर में पहुँचाई जाती है। एक कप चाय भिजवा दें जी, थैंक यू। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्यूअर्स, इस रूम के मीडिया वॉल में आपको 42 इंचेस की LED मिलेगी। उसके अलावा आपको एक मिनरल वाटर मिलेगी 1.5 लीटर्स की। रूम अमेनिटीज़ में चेक करते हैं जी, तो रूम अमेनिटीज़ में हमारे पास चाय का सामान है, कॉफ़ी है, और आई सपोज़ यहाँ पे मिनी बार होगा। बिल्कुल है, और मिनी बार में हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन 20 मिनट्स माय टी इज हियर। थैंक यू जी, आ जाए। व्यूअर्स, पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद को अब हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो हमें मिलती हैं, और खाना भी खाएंगे, भूख मुझे लग गई है, तो चले मेरे साथ। व्यूअर्स, हु वुड एक्सपेक्ट हैंड सैनिटाइजर फिक्स्ड इन एन एलिवेटर? आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय द होटल। मैं फाइनली हिल टॉप पर पहुंच गया हूं, और आपको बताता चलूं इस वक्त मैं हेलीपैड पर मौजूद हूं, और हेलीपैड पे हम बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक सेटअप देख रहे हैं, एक डाइनिंग सेटअप देख रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये सेटअप लगाया जाता है, और यहां से आपको वैली की सारे के सारे व्यूज़ जो हैं वो आते हैं, बड़े ही अमेजिंग किस्म के। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रैक आपको मिलता है ये 360 पर है। तो जो मैं हिल टॉप पे चल के आया था, वो इस हिल टॉप के 360 पे आपको एक बेहतरीन ट्रैक मिलेगा जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है
के नीलम रिवर को आप इंजॉय करें। व्यूअर्स, तब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे व्यूज़ बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन मज़ा ही ना आए अगर ये ना पता हो कि व्यूज़ किस चीज़ के हैं, क्योंकि पहाड़ तो सारे एक जैसे लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि ये पहाड़ कहाँ के हैं और ये व्यूज़ कहाँ के हैं। तो ये आपको एक इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी वैली या कौन सी लोकेशन किधर है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मकरा जो है वो उस तरफ है, नीलम वैली भी उस तरफ है, पीर चनासी जो है वो टॉप है, और मरी जो है वो मेरे बैक साइड पे है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त मेरा ख्याल है डेमोन्स्ट्रेशन है जो यहाँ दी हुई है इन्होंने। झेलम वैली आप मेरे सामने देख सकते हैं वो है। प्रॉन्स की बारी है जी। इस एपेटाइज़र में मुझे ज़बरदस्त किस्म का B19 आई गेस ये सूप जो है वो मिला है यहाँ पे। उसके अलावा प्रॉन्स जो है वो मैं ट्राई करूँगा, और टेस्ट जो है ना, इससे बेहतर टेस्ट मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। और उसकी रीज़न ये है कि इतना ज़बरदस्त जब एम्बियंस हो तो खाना कैसे बुरा लग सकता है, और खाना है भी बहुत मज़ेदार। सो आई एम गोना ट्राई द प्रॉन्स हियर, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। I just got done with the appetizer situation and now ye main course aa gaya ji aapka, we have the main course steak with black pepper sauce, lovely lovely Asad saab, thank you sir। Continental Muzaffarabad offers various kinds of rooms, suites, which includes separate dining room and kitchen with valley view. Viewers, this is the Japanese garden Amir sahab was telling about, और इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ज़बरदस्त किस्म का गजीबो है, और इसको यहाँ पे कहा जाता है डेस्टिनेशन डाइनिंग। और जैसे कि थोड़ी देर पहले हम हेलीपैड पर मौजूद थे और वहाँ पर भी हमने एक डाइनिंग सेटअप देखा था, तो वो भी बेसिकली डेस्टिनेशन डाइनिंग का सेटअप था। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस प्रॉपर्टी में मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ वो है द टाइटैनिक पॉइंट। यस, सो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड टाइटैनिक पॉइंट क्योंकि इसकी जो आगे से शेप है वो एक शिप की तरह है, और इसके आगे आपको रिवर नज़र आता है, और रिवर आप यू कैन एक्चुअली हेयर द साउंड ऑफ द रिवर। इट्स अ ब्यूटिफुल स्पॉट व्यूअर्स एंड इट्स अ मस्ट विजिट। Pearl Continental Muzaffarabad also offers wedding halls, conference rooms, along with arrangements for destination weddings. Come on.
Pearl Continental Muzaffarabad offers various types of restaurants and a huge range of eateries. It has a health club that offers gym facilities as well. The lobby looks even better in the night. आप देख सकते हैं कि Pearl Continental मुजफ्फराबाद जो है वो रात में कितना हसीन लगता है. और अब डिनर का टाइम हो गया है तो मार्को पोलो जो है यहाँ पर डिनर बुफे ऑफर्ड है. तो देखते हैं कि डिनर बुफे में हमें क्या क्या खाने को डिशेज मिलती हैं. लेट्स गो. ओके जी, तो यहाँ पे वी हैव वेजिटेबल्स, वी हैव एग फ्राइड राइस, कंग पाओ चिकन, बीफ सीख कबाब, चिकन अंगारा बोटी और भी बड़े मज़े मज़े के खाने हैं जी. बीफ कढ़ाई भी है यहाँ पे और मेरे सामने कश्मीर फूड काउंटर है. तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कश्मीरी फूड जो है वो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है हमें. वाइट राइस ऑब्वियसली, देन वी हैव गुस्ताबा यखनी. तो बेसिकली दीज आर मीट बॉल्स और इसको जो मैरिनेशन है इसकी और जो प्रेपरेशन है इसकी वो आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ऑब्वियसली कश्मीरी फूड है. एंड देन वी हैव मेथी मास और इसके अलावा दाल लोबिया. डेफिनेटली जी, मैं तो कश्मीरी फूड ही ट्राई करूँगा सिंस आई एम इन कश्मीर. तो क्यों नहीं हम कश्मीरी फूड को ही मौका दें. Whereas I just love the aroma of this food. बहुत मज़े का लग रहा है जी ये. मेथी मास से शुरू करेंगे obviously with white rice. बहुत मज़े की है जी ये तो. मैंने कभी ट्राई नहीं किया मेथी मास. So good. अब जी हम ये कोफ्ता ट्राई करेंगे. कश्मीरी कोफ्ता अगेन विद वाइट राइस. और वाइट राइस की कहानी मैं आपको बताता हूँ. बहुत डिफरेंट है जी ये टेस्ट. इसका बहुत डायनामिक है और बहुत मज़ेदार. वेरी नाइस. और वाइट राइस का मैंने आपको ये बताना था जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि कश्मीरी फूड जो है ना वो वाइट राइस के बगैर है ही नहीं. फिर लोबिया भी बहुत मज़ेदार है और ये मेरी बड़ी अच्छी चॉइस थी कि मैं कश्मीरी फूड के लिए मैं गया. वाइट राइस तो मुझे पता था वहाँ होंगे क्योंकि आपको पता है कश्मीरी फूड हो और वाइट राइस ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है. द प्रॉपर्टी ऑफर्स गेम्स लाइक टेबल टेनिस, बिलियर्ड, कैरम बोर्ड एंड अ वीडियो गेमिंग रूम. व्यूअर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गेम रूम है यहाँ पे. और चेक करते हैं जी कि गेम रूम में हमें क्या क्या गेम्स देखने को मिलती हैं. ज़बरदस्त है जी. वी आर इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर एक विजिटर. और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फूसबॉल है. फूसबॉल के अलावा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट यहाँ पर मौजूद है. लाइव मैजिक ट्रिक्स आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर जो मैं इंजॉय करने वाला हूँ वो है VR एक्सपीरियंस. और यहाँ पर एक भाई यहाँ बैठे हैं खेल रहे हैं. उनको नहीं पता उनके इर्द गिर्द कोई है या नहीं है क्योंकि उन्होंने ये ग्लासेस लगाए हुए हैं VR के.
दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग द वी आर गेमिंग एंड आई लव इट. टोटली अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस. व्यूअर्स, रूम कॉरिडोर में आपको बड़ा ज़बरदस्त एक सिटिंग एरिया मिलेगा. इनफैक्ट मैं अभी उधर ही बैठा हुआ हूँ और व्यूज़ भी बड़े ज़बरदस्त आते हैं. यहाँ से आप देख सकते हैं रात में भी पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ़राबाद की जो आउटलुक है वो अमेजिंग है. और मैंने सोचा कि इस बार रूम में हम वाईफाई टेस्ट नहीं करेंगे, इस बार रूम से बाहर हम वाईफाई टेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेट तो आपको हर जगह चाहिए होता है. तो देयर यू गो. 8.68 स्पीड इज़ नॉट बैड. स्पेशली हम लोग हिल स्टेशन में हैं, और अगर हिल स्टेशन में आपको समवेयर अराउंड 10 Mbps मिल जाए तो और क्या चाहिए. ब्रिलियंट. Breakfast buffet is served in the Marco Polo restaurant. Everything about the breakfast at this property is amazing. The quality of the food, the ambience, the services, perfect. चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इधर वो है डेस्टिनेशन डाइनिंग. हेलीपैड के ऊपर बैठ के आप खाना खा रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पे एक टाइटैनिक स्पॉट भी था जहाँ पे आप बैठ के खाना खाएंगे और सामने से नीलम रिवर जो है वो आपको गुजरता हुआ नज़र आएगा. खैर, हम अब करते हैं चेकआउट. अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे रेट करते हैं तो आपको वो थोड़ी देर तक पता चल जाएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़. पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 6 out of 7. फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 6, होटल क्लेनलीनेस 7, फ्री वाईफाई 4, रूम क्लेनलीनेस 7, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 6, रेस्टोरेंट क्वालिटी 6, स्टाफ 6, फैसिलिटीज 5, कंफर्ट 7, लोकेशन 7, वैल्यू फॉर मनी 6. पर्ल कॉन्टिनेंटल मुजफ्फराबाद की ओवरऑल रेटिंग्स बनती हैं 6.6 स्टार्स. सुपर्ब.